तीन लोग हैं, अपने अपने हाथ दिखाओ। ये मेरा हाथ, ये इनका हाथ और ये तीसरे बंदे का हाथ। ओके, अभी आप नंबर्स देख सकते हैं। 10% बैटरी बची हुई है, इसका लिम्प मोड ऑन हो गया है और करेक्ट 330 किलोमीटर। तो गाड़ी को धक्का मारते हुए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेम में आपको गाड़ी दिख रही है, ये है नेक्सॉन EV 45 किलोवाट आर वाली बैटरी। जो अभी तक आती थी 40 किलोवाट आर वाली आती थी, आपको पता है वो कितनी चलती थी। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ज़्यादा चल पाती है उससे, यानी कि इसका हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं। 5 किलोवाट आर का कुछ फ़र्क पड़ा या फिर नहीं पड़ा या फिर कितना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं, जो ये बैटरी है ये प्रिज्मेटिक सेल्स के साथ आएगी। जो आपकी 40 किलोवाट आर वाली है वो आपके जो सिलेंड्रिकल सेल है उनके साथ आएगी। और हाँ, इसमें जो सनरूफ है वो बड़ी वाली है, जो आपको टाटा कर्व में देखने को मिली होगी। और जो फीचर्स वगैरह है वो सारे लगभग वही हैं। और कीमत जो है आपको स्क्रीन में सारे वेरिएंट्स की दिखाई दे रही होगी। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको लेना वर्थ है, कितनी ये चलेगी। अगर आप इसका प्लान कर रहे हैं खरीदने का तो आपको कितनी रेंज मिलने वाली है, आइए टेस्ट करते हैं इसका। तो अभी इस वाले चार्जर से मैंने इसको 100% चार्ज कर लिया है। अब हम निकलते हैं अपनी जर्नी पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% चार्ज ये दिखा रहा है। तो चलिए अब करते हैं हम अपना रेंज टेस्ट स्टार्ट। 340 किलोमीटर की रेंज ये अभी दिखा रही है इको मोड में। वॉट ओवर पर किलोमीटर अभी आए नहीं है, उसको अभी आने में टाइम लगेगा। और कैसे हम इसको चलाएंगे उस पर भी डिपेंड करता है। और अभी मैं फ़िलहाल अकेला हूँ, अभी 2-3 किलोमीटर में मैं अपने दो दोस्त बैठाने वाला हूँ इस गाड़ी में। और हमारी सनरूफ भी खुली हुई है और धूप अंदर आ रही है। एसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये वाला जो कैमरा है वहाँ पर प्लेस किया हुआ है। ओके, दो नए अपडेट हैं। अब गाड़ी में हम तीन लोग हैं, अपने अपने हाथ दिखाओ। ये मेरा हाथ, ये इनका हाथ और ये तीसरे बंदे का हाथ। और दूसरा, हम सिटी ट्रैफिक में फंस चुके हैं काफ़ी अच्छी तरह। आप देख सकते हैं आगे जाम। अभी आप देख सकते हैं 98% हो चुकी है बैटरी और गाड़ी चली है 4.1 किलोमीटर। और सिटी में जाम में फंसने की वजह से 196 वाट आवर पर किलोमीटर की एनर्जी कंजप्शन हो रही है। तो ये जो जाम है ये है रुद्रपुर सिटी का, जो कि उत्तराखंड में है, आप सभी को पता है। अभी हम रेंज टेस्ट करने के लिए देहरादून वाला जो हाईवे है उसको पकड़ेंगे। तो सिटी से निकलकर हम लोग आ चुके हैं स्टेट हाईवे पे। तो सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, तो वहाँ पर बैटरी का जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। 4% बैटरी में 11 किलोमीटर के आसपास चली। अभी इस हाईवे पे हम लोग जो है 85-90 किलोमीटर पर आर की स्पीड में चलाएंगे, जैसा हम बाकी EVs को चलाते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि नेक्सॉन 45 और नेक्सॉन 40 में क्या डिफरेंस है चलाने में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का वेट का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। ये वैसे ही चलती है जैसे आपकी नेक्सॉन 40 चलती है। ओके, तो गाड़ी चल चुकी है 85 किलोमीटर और बैटरी परसेंटेज हो चुकी है 75% वाट आवर पर किलोमीटर 135 के आसपास क्या एग्जैक्टली 135 है। और लगा लो आप 25% में ये 85 किलोमीटर चली है गाड़ी। अभी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब बात यहाँ पर ये है कि 10% के बाद जो है कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि AC ऑफ हो जाता है और साथ के साथ ये लिम्प मोड में चले जाती है गाड़ी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलती है। 85 के हिसाब से 340 किलोमीटर तो चलेगी ये, ठीक है। और जो 10% बैटरी में थोड़ा सा एडवांटेज और मिलेगा, तो अभी के हिसाब से देखें तो 350 प्लस ये चलेगी, लेकिन एग्जैक्टली निकल के कितना आता है वो बताना हमारा काम है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेंज टेस्ट करने के लिए पूरी ट्रिप प्लान करनी पड़ती है। ट्रिप में अच्छी राइड क्वालिटी वाली गाड़ी हो तो मज़ा तो आ ही जाता है, लेकिन ट्रिप में एक बेहद ज़रूरी मेरे लिए क्या है, वो है एक क्लियर विजन। और क्लियर विजन के लिए मेरा हमेशा साथ देते हैं मेरे ये सनग्लासेस। इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब सीधा सूरज आपकी आंखों में चमक रहा होता है। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये है लेंस कार्ड विंसेंट चेस
TAC पोलराइज सनग्लास। देखो ये मुझे स्टाइलिश भी लगता है और प्रैक्टिकल भी लगता है, और साथ के साथ क्लैरिटी आपको मिलती है जबरदस्त वाली, सनलाइट से तो प्रोटेक्शन मिलता ही है आपको, और इतनी सारी खूबियां एक सनग्लास में हो तो आपकी ड्राइविंग का मजा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग लॉन्ग ड्राइव क्यों करते हैं? हाईवे पे फन करने के लिए ना, लेकिन अगर आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा हो तो आप क्या फन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और इन ग्लासेस के साथ ऐसा नहीं है, काफी कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें सिलिकॉन पैड्स आते हैं जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये ड्यूरेबल भी है, आसानी से आपका टूटेगा नहीं। आपकी बम्पी राइड्स हो या फिर लंबी लंबी ड्राइव आप हाईवे पे करो, इस सनग्लास के साथ छोटा मोटा गिर जाता है तो टूटता नहीं है। तो फिर इंतजार किस बात का है भाई, लेकर आइए नजदीकी स्टोर से लेंस कार्ट के ये TAC पोलराइज सनग्लास। और तो और काफी अच्छे ऑफर चल रहे हैं लेंस कार्ट में फेस्टिव सीजन के, बाय वन गेट वन फ्री इन एवरी फ्रेम। और अगर आप अपनी थर्ड परचेस करोगे ना, उसमें आपको 60% का ऑफ भी मिलेगा। वैल्यू फॉर मनी, स्टाइलिश और ड्यूरेबल। और हाँ, यहाँ पर फ्री कॉन्टेक्ट लेंसेज भी मिल रहे हैं, अपने फ्रेम भी लेके आइए, लेंसेज भी लेके आइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है हमने, गाड़ी हमारी 134 किलोमीटर के आसपास चली है और 63% बैटरी बची हुई है, वाट आवर पर किलोमीटर 129। थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं यहाँ पर। तुलाराम सिंस 1945, कभी आप आए हो यहाँ पर तो कमेंट जरूर करना। मच लेटर। तो दोस्तों हमारे खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, अब हमें नाइट ड्राइव करनी पड़ेगी। तो दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 181 किलोमीटर, बैटरी बची है 50%। 50% में 181 किलोमीटर, इसका मतलब ये है कि आसानी से ये 100% में 360 किलोमीटर चल सकती है अभी के हिसाब से। और नाइट ड्राइव हम लोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं वाट आवर पर किलोमीटर कम हो चुका है, और जबकि इसको बढ़ना चाहिए क्योंकि हेडलाइट वगैरह ऑन है सारी। तो शुरुआत में थोड़ी सी बैटरी इसकी जल्दी ड्रेन हुई थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के ये दे रही है, काफ़ी अच्छी रेंज निकाल के ये दे रही है 80-85 की स्पीड में हाईवे में, और थोड़ा बहुत शहर का ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पर उस स्पीड से चल रही है गाड़ी। तो अभी के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये गाड़ी उससे काफ़ी अच्छी रेंज निकाल रही है आपकी नेक्सॉन 40 से, और 5 किलोवाट के हिसाब से लगभग 30-35 किलोमीटर ज़्यादा चलना चाहिए। एक्चुअल में कितना चलेगी ज़्यादा वो देखते हैं। अभी तक इस गाड़ी ने जैसी रेंज निकाली उससे ये समझ में आ रहा है कि टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। कर्व ईवी का जो 45 किलोवाट आर वाला जो बैटरी पैक है उसको सेल करने में, क्योंकि उससे ज़्यादा रेंज ये निकाल कर दे रही है, और आपको तो पता ही है लगभग स्पेस वैसा ही है, और लिटरली मुझे पता नहीं चल रहा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील में ना देखूं, मुझे लग रहा है कि मैं कर्व ईवी चला रहा हूं, क्योंकि कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी का इंटीरियर आपको सेम देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के अलावा। गाड़ी चलाते चलाते शाम के 8 बज चुके हैं, गाड़ी चल चुकी है 300 किलोमीटर और बैटरी बची है 18%। 18% में कितनी चलेगी अब आप अनुमान लगाओ, और हम चला रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको अपडेट भी दे देंगे, तब तक आप कमेंट कर दो। ओके, अभी आप नंबर्स देख सकते हैं, 10% बैटरी बची हुई है, इसका लिम्प मोड ऑन हो गया है, और करेक्ट 330 किलोमीटर। अब 10% बैटरी में कितना चलेगी वो देखने वाली बात होगी, और यहाँ पर 55 की लिमिट हो चुकी है, यहाँ पर 55 किलोमीटर पर आर से ऊपर ये जाएगी नहीं। अभी अनुमानित तौर पे ये कम से कम 40 किलोमीटर तो चलेगी, 40 किलोमीटर एक बार इसको घुमा कर लेकर आते हैं, फिर बताते हैं आपको स्टोरी सारी। गाड़ी चल चुकी है 351 किलोमीटर, 5% बैटरी बची हुई है, और कंटिन्यूसली बीप ये दे रही है, कह रही है चार्ज कर लो, और एनर्जी कंजप्शन हो गया है 125 वाट आवर पर किलोमीटर। तो जो C75 था जिसमें टाटा मोटर्स बोल रही थी कि 350 से 370 चल जाएगी ये गाड़ी, तो वो तो इसने कर दिखाया है। अब अगले 5% में कितना चलेगी या फिर हम कितना चला पाएंगे इसको चार्जर तक पहुंचने में वो देखते हैं अब।
तो दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 370 C75 की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो हमने अचीव कर ली है। अचीव ऐसे जानबूझ के नहीं करी है, हो गई है। कहीं आप सोचो कि ज़बरदस्ती रेंज निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आराम से बैठे हैं गाड़ी में, 10 बजने वाले हैं रात के, डिनर करने का टाइम हो गया है और साथ के साथ चार्ज करने का भी टाइम हो गया है। 1% बैटरी बची है तो सोच रहे हैं कि इसको भी जीरो कर लें। मैंने सुना है कि जीरो के बाद थोड़ी देर और चल जाती है। आसपास ही एक फास्ट चार्जर है तो अभी उसमें ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, किसी ने चार्ज लगाया नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होता कि आसपास कोई चार्जर है तो हमारी जो जवान है ना वो लड़खड़ा रही होती और इतना कॉन्फिडेंट हम होते नहीं, डर का माहौल होता। अभी 1% में पहले देखते हैं कि कितना चलती है। ओके, तो एक सीन हो गया है। हमने सोचा कि 0% में चल जाती है गाड़ी, 0% बैटरी हो गई है यहाँ पर। गाड़ी चल तो गई 374.6 किलोमीटर, लेकिन अभी चल नहीं रही है। डी मोड में आप देख सकते हैं नहीं चल रही है। अब इसको धक्का मारना पड़ेगा। ढलान पे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे बहुत भीड़ है, वहां बेइज्जती होने वाली है। वो उनको लगेगा ये पेट्रोल गाड़ी है, कहेंगे इतनी बड़ी गाड़ी ले ली और पेट्रोल लगाने के पैसे। सामने चार्जर है, हम वहां से होकर आए हैं अभी कि चलो देखते हैं कि कितना और चल सकती है। कुछ सुहानी यादें इस गाड़ी के साथ भी। बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। 0% बैटरी में बिल्कुल नहीं चलती है गाड़ी। आप एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, फिर से डी मोड लगाया, चल जा प्लीज, थोड़ी देर चल जा। लाइटें चल रही हैं, सब चल रहा है। इससे क्या सब बंद करते, इंजन चला दो। स्टेयरिंग में हार्ड चला लूंगा, मोटर चला। स्टेयरिंग चल, देखो स्टेयरिंग लाइट है, स्टेयरिंग घूम रहा है आसानी से। स्टेयरिंग की लाइट भी जल रही है, इसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। मोटर चलाओ। चलो रेंज टेस्ट खत्म हो गया, अब धक्का मारते हैं। तो गाड़ी को धक्का मारते हुए मुझे गाली तो नहीं दे रहे हो तुम लोग? सबके साथ हो सकता है ये, पब्लिक के लिए इतना तो करना पड़ता है साहब। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चार्जर पे, गाड़ी चार्ज हो रही है। और आप ऐसी हरकतें मत करना, 0% मतलब 0% जैसा कि हमने देखा, इससे पहले कभी हमने चलाई नहीं थी 0% पे। 0% पे आपको धक्का मारना पड़ सकता है। अब रही गाड़ी की रेंज की बात, पहले से इम्प्रूव हुई है, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और 45 किलोवाट के हिसाब से ये ठीक ठाक चली गाड़ी। नेक्सॉन ईवी के पॉजिटिव और नेगेटिव आप सभी को पता है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है आपका? इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रेंज आपको मिल जाती है, गाड़ी आपकी ज़्यादा चल जाती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो कर्व ईवी है उसका जो मीडियम रेंज वाला वेरिएंट है इससे ओवरलैप करता है। मैं कहना चाहूँगा आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडवांटेज है प्रैक्टिकलिटी का, उसमें बूट स्पेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन चलेगी वो इससे कम। जैसी हमने इसमें ड्राइविंग करी उस हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है, वो चीज़ आप डिसाइड कर लेना। और इसके अलावा सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।